हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप सो आप सब ठीक हो गए। तो आज है 6 तारीख, हनुमान जयंती। और आज का जो व्लॉग है, मैं अपने घर से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी हो गए हैं, 1 बज गया है दोपहर का। तो आज मेरे को कुछ ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ अपने फार्म हाउस। तो आपको जो है फार्म हाउस ले चलते हैं, और फार्म हाउस के बाद जो है मैं आपको जो है कुछ और एक बंदे से मिलाना चाहता हूँ जो कि खेतीबाड़ी से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं गाड़ी और निकलते हैं। रास्ते में जो भी दिखेगा मैं आपको दिखाता जाऊँगा। और ये स्पेशली ये ब्लॉग जो है हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप लोग जो है थोड़ा एक बार उसको देखिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं आपको फिर दोबारा। दोस्तों, बेसिकली ये फार्म हाउस जो है, हम लोग यहाँ पर जो है खेतीबाड़ी करते हैं, तो इसमें हम लोग जो है ज़्यादातर गन्ना लगाते हैं। गन्ने का राब बना के जो है इसको बेचा जाता है यहाँ। तो यहाँ पर जो है गेहूँ और धान भी होता है, लेकिन मोस्टली हमारे इस एरिया में जो है ज़्यादातर गन्ना ही होता है। ये इस एरिया को बेरला बोलते हैं, बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, रायपुर से 40 किलोमीटर दूर है बस ये। तो आप देखिए पीछे कैसे खेती वगैरह हुई है पूरी कंप्लीट। ये देखिए मस्त एकदम पीछे खेत है, ये घर है हमारा पीछे। और अभी मैं आपको सामने में, अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो वो रोड जा रहा है एकदम, बिल्कुल ऑन द रोड ज़मीन है अपनी। ये देखिए 50 एकड़ के करीब ज़मीन है ये पूरी रोड। और इस तरफ जो मेरे, इस तरफ कैमरा का मेरा बैक है उस तरफ। तो ठीक है, चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, भैया भी आ गए, तो बताते हैं फिर आपको, मिलते हैं उनसे। तो फ्रेंड्स, ये पहुंच गए हम तरुण भैया के यहाँ। इनके यहाँ जो आए हम, ये है बसंत गौशाला बेमित्रा। तो इस प्रकार से जो है ये गोबर से जो है, जितनी भी गोबर है इसको इकट्ठा करके, और इसका जो है ये सब मशीनें यूज करके, और बहुत सारा सामान बनाते हैं इस प्रकार से। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। दिया है, मोमबत्ती है, इस प्रकार से। अभी हम उनसे बात करेंगे, फिर आपसे आपको भी मिलवाते हैं। देखिए ये है फ्लावर पॉट, ये इन्होंने जो है गोबर से बना रखा है, डाई से जो है गोबर को फ्लावर पॉट में कन्वर्ट कर दिया जी। ये देखिए इस प्रकार से ये दिए का भी निर्माण हुआ है, कुछ दिए ये पड़े हैं इनके लिए। ओके, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो आज हैं हमारे साथ तरुण भैया, ये क्या नाम है इनका, गौशाला का, बसंत गौशाला वाले। तो ये बेसिकली बेमेतरा में पड़ता है, और जो हमारा फार्म हाउस है वहाँ से करीब 30-32 किलोमीटर दूर है। तो भैया जो हैं यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, और कुछ गोबर से जो कुछ और भी सामान बना रहे हैं। तो इनका अपना गौशाला भी है, और बहुत अच्छा इनका काम है, बहुत अच्छा सिस्टम है ये। तो सारा कुछ इन्होंने सेटअप जो है अपने ही एरिया में कर रखा है। तो भैया दिखाएंगे कि क्या आप बनाए जो ये अभी स्टार्टिंग प्रोसेस में है। ये वाला ये वर्मी कंपोस्ट ऐसे ही नॉर्मली आपने, मतलब ऐसे ही जो ये तिल विल के जो है इनको सबको लास्ट ऊपर डाल दिया है, है ना? जैसे ये पूरा गोबर ये नीचे से जाए, अभी ये तो स्टार्टिंग है पूरा, है ना? तो ये कितने महीने का प्रोसेस है अपना तरुण भैया? ये ढाला बड़ा है, है? ये ढाला बड़ा है ये। अच्छा, ये मतलब कि इसका एरिया ज्यादा है। तो आप अपन ये देख लेते हैं जो जिसको आप पहले ऑलरेडी कर रहे हैं, अपन इसको देख लेते हैं। गवर्नमेंट रूल में
गवर्नमेंट रूल में ढाई बाई आठ का रहता ही है। अच्छा, लंबाई बेड 2 फीट ऊपर रहती है, वो 45 दिन में कम्प्लीट हो जाता है वो। अच्छा, ये 45 दिन का प्रोसेस है जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, आपके कहने का मतलब है 2 फीट हाइट, अच्छा 8 फीट लंबी, 8 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा। ओके, इतने में जो माल आएगी वो 45 से 50 दिन में पूरी बाहर आ जाता है। और ये 10 बाई 10 के ज्यादा टाइम लगेगा, उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। अच्छा, ये वर्मी कंपोस्ट कहाँ कहाँ यूज होती है और क्या क्या चीज के लिए इसको अपन यूज कर सकते हैं, कुछ आइडिया बताएंगे जरा हमारे दोस्तों को जरा। इसके सिवा कुछ लगे नहीं किसान को, चाहे वो कुछ भी लगाए, जैसे कि धान, गेहूँ, केला, नारियल, पपीता के लगाए। जैसे अभी हमारे जो यहाँ पर भैया लोग हैं वो लोग गन्ना लगाते हैं, तो उन लोग का कहना ये है कि ये गन्ने में हमारे को काम नहीं आता, जैसे कि गन्ने के लिए ये पावरफुल नहीं है, जैसे उन लोग यूरिया DAP ही यूज करते हैं, तो उसका क्या ऑप्शन है, उसका कोई ऑप्शन है उसका? फास्फेट मिला के दोनों को 15 दिन रख के पलटी किया जाते हैं 2 बार। अच्छा, वो DAP से ऊपर काम करती है। अच्छा, और सस्ता भी पड़ता होगा? सस्ता भी पड़ता है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग। रॉक फास्फेट आपको कहाँ से मिलता है? ये अपन रायपुर तरफ से लाते हैं। अच्छा, रायपुर से लाते हो, ग्रुप में आते हैं तो आप लोग गन्ने वालों को वो देते हो बना के सिस्टम ऐसा वाला? अभी गन्ना वाला मेरे पास अभी आया नहीं है, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, क्योंकि इस एरिया में आपने देखा होगा ज्यादातर तो गन्नों की खेती है ना। धान और गेहूं तो बहुत कम लगा रहे हैं लोग, जो बाहर से बंदे आए हैं पंजाब के हो गए या हरियाणा के हो गए, टोटल यहाँ गन्ना वाला ही काम चल रहा है। इसको आप फिर कहाँ बेचते हैं, क्या सेल आउट है आपका, किस हिसाब से इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं? इसका 10 रुपीस केजी से सेल हो जाता है। ठीक है, मैं 15-16 साल से काम कर रहा हूँ। ओके, तो मैं जितनी बना लूँ कम पड़ती है मेरी नेटवर्क के हिसाब से। बढ़िया, तो अभी ये गौठान में बगल जी के नीचे काम कर रहे हैं सज्जी के माध्यम से, तो फिर वहाँ तो अन्ना बनाओ और सोसाइटी में दो, वो 4 रुपये केजी रहता है, वो 4 रुपये। तो अभी तो फिलहाल जो है जो हमारे मुख्यमंत्री श्री माननीय बघेल जी हैं, उन्होंने तो अभी इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया हुआ है, इसके बिना कुछ लगेगा ही नहीं जी। मतलब जिनकी अपनी खेती है उनको भी ये कुछ न कुछ मात्रा में खरीदना पड़ रहा है, इसके बगैर ना आपको कहा जाए तो बीमा वगैरह कुछ नहीं होगा। सरकारी खेती, सरकारी खरीदी नहीं है जब तक हम इसको अपने उसमें यूज नहीं करेंगे, खेत में यूज नहीं करेंगे। इकड़ पीछे इसको डालना 1 बोरी 30 किलो के साथ गवर्नमेंट वही प्रोवाइड किया, 30 किलो। मतलब गेहूं और धान वगैरह के लिए ये बेस्ट चीज है, ये अगर कृषि है तो कृषि में सबसे पहले यही डालना। और सब्जी वगैरह के लिए सब्जी में भी यही होता है। सब बहुत अच्छा है, चलेंगे तो धीरे से फायदा आपको नजर आएंगे। जैसे फायदा है कि अपन धान खेती कर रहे हैं, 3 साल हो गए मेरे को, 2 साल और करूंगा, उसके बाद मेरे को 1 रुपये इसको भी डालने की जरूरत है, बाहर की तो छोड़ दो। अच्छा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खेत ऑटोमेटिक ऑटो बन जाएगा, वो आप में खरपतवार कम होगी। ठीक है, आप कुड़ाई कर दो, कुड़ाई करने की जरूरत नहीं, आपकी जमीन ऐसी रहेगी, ये तो पोला रहेगा एकदम, तो गन्ना ऐसे होंगे, क्योंकि जमीन से ऊर्जा खाएंगे, आपको अलग से ऊर्जा खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जमीन से खींच लेंगे अपना ऊर्जा। और जिस दिन गन्ना कटा तो आपकी गन्ने की कीमत भी अलग होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक है। तो तरुण भैया, ये नॉन ब्रांडिंग में आप जो है इसको 10 रुपए के जी बेचते हो, जैसे नॉन ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग करते हो आप कुछ अपने नाम से? कुछ नहीं है ब्रांडिंग, जैसे कि आपने कहीं बाहर भी माल नहीं बेचा अभी, अपने ही एरिया में काफी लोकल में है, लोकल में खेती बाड़ी वाले किसान खेती बाड़ी वाले लेके जाते हैं, है ना, नवागढ़ में 1 टन जाता है वो ईयरली मेरे पास। तो ये जो है जैसे इसमें आप पानी वगैरह भी स्प्रे करते हो? 3-4 दिन में। अच्छा, 3-4 दिन में पानी, स्टार्टिंग प्रोसेस में पानी कंटिन्यू लगता है। Okay. जब इस प्रोसेस में आ गया ना, इस पे हम पानी कम रखेंगे, पानी डालेंगे तो ऊपर खेलता रहेगा वो, जितना सूखेगा उतना तेजी से खा के अंदर भागेगा, नीचे जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा। हाँ। और ये पूरी बिक है, और मेरे हिसाब से तो इसमें जितना ज्यादा नमी रहे उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि केचुआ मरेगा नहीं, केचुए को गर्मी नहीं लगेगी, उसको एकदम वो ठंडी जगह चाहिए, है ना। नहीं तो जैसे इस प्रोसेस में आएंगे तो ज्यादा पानी भी अपने नीचे ना, काम करना बंद कर देगा, ऊपर आग बैठ जाएगा। अगर ये धूप लगेगी, गर्म हवा लगेगी तो सट से खा के फिर नीचे बैठेगा, अपने आप को ढकेगा वो।
तो उसका पानी भी आप लोग स्प्रे करते होगे ना, पानी स्प्रिंकल करते हैं ना। हाँ, उसको अब आवश्यकता अनुसार अब चलते चलते इतना हो गया कि आवश्यकता अनुसार उसको देते हैं, डेली डालने की जरूरत नहीं है। और इसी सारी चीज में आयरन, कैल्शियम, जिंक, बोरान सब है इससे। ठीक है ठीक है ठीक है, हमको दूसरी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया। तो ये पूरा बाड़ी आप ही का है अपना, पूरा जगह आपका है? पूरा अपना ही है ना। 2019 में यहाँ घास नहीं था। ओके, ये था सारी चीज अपने हाथों से बनाए। अच्छा, अभी आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ मैं, आपको जैसे कि ये गोबर है तो आपको गोबर का कलेक्शन कैसे करते हैं अपने से? तो ये जितनी भी गायें भैंसे हैं ये सब आपकी हैं या फिर मेरे बाहर से किसी की आपको लाते हैं, उसको रख के और उसको चारा वगैरह खिला के और उनका गोबर लेते हैं? नहीं नहीं, खुद की गाय। ये सब आपकी है? तो आप दूध का भी काम करते होगे? दूध देते हैं और देसी गाय है एक, और से देते हैं हम लोग। अच्छा, आज तक काम ही नहीं किया। अच्छा, मतलब दूध वगैरह बेचने वाला काम नहीं करते? नहीं, वो सब घर में ही खपत हो जाते हैं। जब ज्यादा हो गया मट्ठा बना लेते हैं तो मट्ठा इसमें फिर डालते हैं, मट्ठा इन। अच्छा, इसमें अच्छा इसमें पुराने ये पेड़ पौधे वगैरह कटे फटे भी ऊपर डाल सकते हैं, ये भी चीज मैं सुना हूँ ऐसा। अच्छा, इसका केचुए का कौन सा ब्रीड यूज करते हैं आप, क्या है इसमें केचुए की क्या क्वालिटी है? अपन लेके आए थे फिजेटिया, लेके आए थे। अच्छा, 2019 का। अच्छा, अब जब जमीन पे हो रहा है तो वो तो हर जगह से तो कहीं भी कुछ भी निकल जाएगा। तो वैरायटी वाली बात ही नहीं है। नहीं, फिर भी एक ब्रीड होती है ना, कि कई लोग जैसे कि बोलते हैं कि हम ऑस्ट्रेलियन ब्रीड यूज करते हैं, आइसीना फैटिंग, तो वो चीज मैं पूछ रहा हूँ। फिडिटिया ऐसा कुछ है ना। हाँ, मैं एक दो जगह और भी बात किया था तो ऐसा फिडिटिया वगैरह का उन्होंने बताया था मेरे को, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है वो। इसका ओके जी, प्रोडक्शन चाहिए। रोक दो ना, ज्यादा लंबी हो जाए। ये भैया ने जो ये दिए बनाए हैं ये पूरे गोबर के दिए हैं। ये दिवाली में और वैसे भी आप जो है घर में नॉर्मली भी इसको यूज कर सकते हैं। ये धूप बत्ती है, ये भी गोबर का है। तो बहुत अच्छा सिस्टम भैया ने बना रखा है। ये देखिए, ये शुभ लाभ और ये ऊपर में पेड़ जो है ये भी गोबर के ही है। तो 100% यूज किया गया है गोबर का, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मिलावट है। बहुत बढ़िया है सिस्टम, ये वही है जैसे उसको सुखा के तब गले। ये सब मशीन लगा रखे हैं आपको, ऑलरेडी मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। तो यही मशीन है जो है। तो भैया का कहना ये है कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो उससे तो हमारे को फुर्सत ही नहीं मिल रहा है, इतना अच्छा काम है, इतनी अच्छी डिमांड है। ऐसे ही पूरा वर्मी कंपोस्ट ये देखिए पूरा तैयार हो रहा है, ये पूरा बाड़ा इन्हीं का है। बताइए तरुण भैया, अभी जैसे कि अपन ने ये जो फसल एक बार ले, मान लो कि ये आपकी जो है 45 दिन में रेडी हो गई, कोई भी टाइम में, कोई भी टाइम जितना भी, तो जो इसके केचुए हैं वो डबल हो गए। अब उसको या तो आप उसको आगे में उन्हीं केचुओं को यूज करो या उनको बेचो, और नहीं तो इस बीच में जो है उसको रखने का क्या सिस्टम है? उसके ऊपर फिर गोबर डाल देना, गोबर में डाल दो, छोड़ दो, फिर गोबर डाल दो। जैसे एक टंकी है, निकालते निकालते बैठेंगे, लास्ट बचे अपने पास 6 इंच 8 इंच ऐसा बचे, उसको छोड़ दो, उसके ऊपर फिर पैक कर दो। अच्छा, मतलब उसको नीचे रहने दो, रहने दो, सट से ऊपर आ जाएगा वो रॉकेट। वो खाते खाते ऊपर आ जाएगा, अंधेले का रॉकेट है। मतलब कहने का ये है कि उनको, मतलब जैसे कि मान लो पहले आपने जो है, मान लो कि अपन जैसे खेत में बेड बनाते हैं तो 30 फीट लंबा बेड, ठीक है, तो 4 फुट चौड़ा और 30 फीट लंबा, तो उस 30 फीट लंबे पे आपने 30 किलो केचुआ डाल दिया। अब वो 1.5-2 महीने में वो डबल हो गया, वो हो गया 60 किलो। तो उसको कुछ तो निकाल के अलग रखोगे या फिर पूरे 60 के ऊपर में ही दोबारा गोबर डाल दोगे? तो वो और जल्दी खाएगा। आप बढ़ा सकते हो अपनी पेड़, उसको फिर 10 टुकड़ा तोड़िए, मतलब उसके निकाल के दूसरी जगह डालिए, 10 तो बेड बना सकते हैं उससे फिर, या फिर उसी बेड में अगर अपन उतना ही गोबर का तो 1.5 फुट हाइट ही डालना है अपने को, ज्यादा करेंगे डाल दो तो उसकी संख्या ज्यादा रहेगी, तो पहले से शॉर्ट टाइम में जल्दी 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 होता जाएगा। और ऊपर से पानी वगैरह डाल प्रोसेस करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है सर, ये ज्यादा होना चाहिए। आप फाइबर से इधर पलटी करो शाम को, दूसरे दिन शाम को पैकिंग, खाने वाला होना चाहिए, जिसकी गाय होगी उसकी खलिहाल खत्म होगी। वो तो खैर सही, जितनी वर्म होगी आप यार उसके लिए खाना व्यवस्था करना पड़ रहा है, वर्म के लिए जितना वर्म होगा उतना उनको गोबर भी लगेगा। मेरी गोबर कम पड़ते जा रही है,
तो बड़ा अच्छा भैया लगा आपका ये काम मेरे को। रिसर्च है सर कि मुझे नहीं बहुत बढ़िया है सब कुछ। जब से आपसे मेरी बात हुई है मैं सोच ही रहा था आपसे मिलने की, क्योंकि हमारा फार्म हाउस भी यहीं बगल में ही है, आपको बताया था मैंने बेरला में। भैया करते हैं खेती, मुझे बहुत सारा मैं कीट बना लिया हूँ करके, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है अपने को 500 रुपये की बिल्कुल मिल जाएंगे यहाँ बैठे हैं तो। अपने घर में बैठ के हम अगर 500-700 रुपये दिहाड़ी कमा ले रहे हैं तो और कैसी, बिना खर्च के सर, नहीं बहुत बिना रिक्स के लेने गए भैया भगवान के। अरे शुक्रिया भैया, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो ये थे हमारे तरुण भैया जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह का काम कर रहे हैं, और बाकी जो है ये मैंने तो आपको दिखा दिए, दिए वगैरह सब बना रहे हैं, ये दिए अगरबत्ती धूप बत्ती सब बना रहे हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू मेरा चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल पंजाबी इन्फोटेनमेंट, और ओके बाय बाय, सी यू।